है गाइज मेरा सुन चैनल तो गाइज रॉ का शो हो चुका है कोडी रोड्स ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है वो किसको फेस करेंगे बेली ने भी डिसाइड नहीं किया इवन नायर जैक्स ने अटैक कर दिया है हमारी रिया रिप्ली पे तो गाइस अगर पूरे शो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना चैनल को कर लेना आप सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकते तो फर्स्ट ऑफ शो की स्टार्टिंग सी एम पंक से सी एम पंख आते हैं एंड कहते हैं उनके हाथ में लगा होता है यार वो जो इंजरी वाला स्टेटस नहीं होता कि मेरे मतलब मसल में ये हो गया है एंड गाइस वो कहते हैं कि मैं जीत नहीं पाया या ऐसे तो सीएम एम पंक कहते हैं मैं जीत नहीं पाया मुझे इंजरी होगी जिसके कारण मैं रॉयल से बाहर हो गया एंड मेरे पास मतलब चीज़ नहीं है जैसे सैल्स रोल्स को इंजरी हुई वैसे उन्होंने पूरा एक प्रोमो कट किया एंड भाई साहब इमोशनल प्रोमो कट किया एंड वो कह रहे थे कि मैं रिहाइ में जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे अपनी इंजरी को रिकवर करना है तो उसके बाद ही साथ में ट्रू मैन टायर आ जाते हैं उनका म्यूजिक सॉन्ग प्ले होता है वो बोलते हैं मुझे डीमन को हराना था मैंने डीमन को हरा दिया एंड तू अब इंजर्ड है मुझे ऐसे प्रोमो कट करते हैं बहुत ही अच्छा सा लेकिन सी एम पंग कहते हैं भाई मैं जाऊंगा वापस फिर से आऊंगा एंड तुझे फेस करूंगा एंड भाई साहब इससे ये पता चल रहा है कि सी एम इंजरी वाले स्टेटस के साथ लड़ेंगे साउथ फ्रिक वॉन्स में इंजरी वाले स्टेटस के साथ लड़ेंगे यहाँ से ये पक्का हो रहा है कि दिस इज़ द स्टार्टिंग फॉर सेथ एंड सी एम पंख बोथ आर फाइट फॉर इंजरी स्टेटस एंड भाई साहब ड्रूम एन ने अटैक कर दिया सी एम पर एंड सी एम पंख की टोन मसल पर अटैक किया जिसके कारण सेमी जेन उन्हें बचाने जाते हैं सैमी जेन अटैक करते हैं ड्रूमैन ट एंड भाई साहब सेमी जेन एंड ड्रूमैन का हो जाता है मेन इवेंट के लिए मैच कन्फर्म तो वह इनका मैच होता है कंफर्म मेन इवेंट के लिए उससे पहले होता है जजमेंट डे का बैक स्ट्रेक सेगमेंट जहां पर जजमेंट डे रिया रिप्लिक को कहती दे दे है जजमेंट डे के डेम्रीस कहते हैं टू नाइट आई विल डिफेंड एड टैक्ट टीम चैंपियन का मैच होना था डी और जजमेंट डे का मैच हुआ इस मैच में मैच अच्छा था बहुत परफेक्ट मूव थे वी चैट भी लग रहे थे दिस इज ऑसम दिस इज ऑसन लेकिन गाइस जजमेंट डे ने स्टील चैंपियनशिप रिटेन कर ली एंड आर ट्रूथ के साथ मोह मोहे हो गया आर ट्रोथ आते हैं उन्हें कहते हैं जजमेंट डे के मेंबर एंड भाई साहब कहते हैं यू आर स्टिल ऑन फैमिली हम है। फैमिली ये हैं वो लेकिन आइज तभी उस पर अटैक हो जाता है एंड जजमेंट डे डेम प्रीज कहते हैं तू हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है और भाई साहब जो अटैक करते हैं उसके बाद मीज़ उन्हें सेव करने आते हैं मीज पे भी अटैक हो जाता है इससे पता चल रहा है मीज और जजमेंट डे के बीच मैच होगा जिसमें आर्टरुथ एंड मीज़ की टैग टीम उल्ट आने वाली है वापस तो गाइस ओल्ड टैग टीम वापस आने वाली है मिस वर्सेस आर्ट रूथ वर्सेस जजमेंट डे की स्टोरी चलेगी मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ से कंफर्मेशन हो चुकी है नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वुमेन टैग टीम है ये कुछ खास नहीं था इसमें हमारी जो स्टाक एंड शीना बिजलर जीत की चौसी ग्रीन ने पाइपर नेवस के सामने नेक्स्ट है गाइज हमारा सेगमेंट प्रोमो बैक तो गाइज इस टैक्टिव मैच के बाद था हमारा कोडी रोड्स अपकमिंग नेक्स्ट वो आते हैं वो बोलते हैं मुझे तुम लोगों की जरूरत थी जब तुम मेरे पास आए तुम सबने मुझे सपोर्ट किया इतना सपोर्ट किया एंड मैं बैक टू तो बैक टू रोयल जी चुका हूँ समंता नेवंस भी उनका नाम लेती है रिपीट करती है एंड भाई साहब जो क्राउड रिएक्शन था ना एंड भाई साहब दिस इज़ द पर्सन कहना मैं वो पर्सन हूँ जिसने हुक हो गए शोर माइकल का रिकॉर्ड रिक्रिएट किया एंड आई वॉज टू रोरबल एंड उन्हें इंटरप्ट करने आते वो कहते हैं तू रोम के पास मत जा वो बंदा किसे लायक नहीं है वो हर मैच चुटिंग से जीता है हर मैच वो कोई गोट नहीं है वो ग्रेट सॉफ्ट टाइम नहीं है महीने में एक बार आगे चैम्पियनशिप डिपेंड करता है कुछ नहीं करता बट आई एम ए वर्क फोर्स चैम्पियन तुझे चैंपियनशिप चाहिए तेरे फादर के पास जो चैंपियनशिप थी कोडी रोड नाइट मेयर डस्टी रोड चैंपियनशिप टू वर्ल्ड टाइटल के लिए लड डब्लू चैंपियन नथिंग इट्स नथिंग रोमन ये बहुत बोलते हैं रोमरिंग के बारे में एंड बाइस मैं तो पता ही है कि कोडी वर्सेस रोमन होगा लेकिन भाई जो सेगमेंट प्रोमो कटुआना बहुत अच्छा है इसके बाद कोडी रोड कहते हैं मैं अपना फैसला बताऊंगा बाद में तो गाइस यहाँ से ये भी कंफर्मेशन होती है कि रिकॉग्नाइज कोडी रोड एंड रोम तीनों दोनों में से किसे चुनते हैं ऑन में पता जाएगा एंड आ ने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट वहां से पता चल चुका है बैक्स टू कॉन्ट्रेक्ट साइनिंग हो गई उसके बाद हमें देखने को मिला ब्राउन ब्रेकर का कॉल आता है ब्राउन ब्रेकर जाएंगे स्मैकडाउन में और ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है नेक्स्ट का इसके बाद हमें देखने को मिला मैच ब्राउनसन रीड वर्सेस जे ऊ सो जे उ ने मैच बहुत अच्छा दिया बहुत परफेक्ट मूव था बहुत बेस्ट मूव मैच था लेकिन क्या जे उसो जीत गया उन्हें हार स्वीकार नहीं कर सकते एंड गे ऊसो इज विन दिस मैच एंड राइट नाउ जे ऊ सो मेन वैंड वर्सिज जिमी उसो आपको पता ही है ये हो रहा है मैच नेक्स्ट हमें सेगमेंट देखने मिला हमारी बेली ओ सॉरी उसका कहते हैं बैकलेज का बैकलेज बोलती है कि मुझे रंबल में हार गई मुझे उसका कोई दुख नहीं लेकिन अब मुझे हार्ड वे से जाना पड़ेगा रॉयल रंबल आपको पता है नेक्स्ट वे टू टिकट है एंड भाई साहब ये ऑसम चीज होने वाली है नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है भाई गंथर का गंथर कहते हैं कि मैं तेरा मैच आखिरी बनाने वाला हूँ कॉफ़ी किंगस्टन आज और कॉफी किंगस्टन का मैच था नेक्स्ट मैच होता कॉफी किंगस्टन बस गंथर परफेक्ट मैच परफेक्ट यार जो चांस लग रहे हैं ना दिस इज ऑसम दिस इज ऑसम क्राउड इन्वेस्टेड था परफेक्ट मैच यार क्या मैच दिया यार ये देख के मुझे अच्छा लगा मैच बहुत मस्त मैच था माइंड ब्लोइंग ऑसम जितने भी वर्ड यूज करूँ कम है कॉफी किंगस्टर आपको पता है हाई फ्लाइंग एक्शन है एंड गुन्थर इज अ परफेक्ट एंगल ऑफ रेसलिंग भाई साहब क्या मैच था यार मज़ा आ गया यार आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, लगा लेकिन मेरे पर्सनल प्लेट मुझे बहुत परफेक्ट मैच लगा लेकिन इसमें आपको बता था गंथर हार नहीं सकता तो गंथर स्टिल चैंपियन उन्होंने हरा दिया बाद में उनकी जेवियर वुड पर अटैक भी हो गया विंची एंड आइबर ने आगे अटैक कर दिया दोनों ने अटैक किया है एंड एम्पीरियन आर स्टिल डोमिनेट और भाई साहब यहाँ से ये यह पता चल रहा है एंड गाइज हमारा नेक्स्ट था वो था वो तो गाइज उसके बाद हमारा वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप कबू वॉरियर आते हैं अपना टैक्टी डिफेंड करती है आपको पता है नीतालीगन को तो ऐसे रखा हुआ है सिर्फ हरवाने के लिए और वो हार गई हैं डैमेज कंट्रोल आती है और वो बोलती है कि इज अफ स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन एवर एंड मैच करने वाली बेली बिल्कुल लेकिन तब होता है जब रिया रिपली आती है तो गाइज उसके बाद बेली पे सॉरी रिया रिप्ली पे अटैक हो जाता है नाया जैक्स को और भाई साहब क्या अटैक किया ब्रूटेलिटी हद से लेवल दिखा दी एंड भाई साहब उसके बाद रिया रिपली क्या सॉरी नाया जैक्स कहती हैं बेली को तू किसी और को चूज़ कर ले तू ईओ स्काई को चूज़ कर ले डोंट चूज रिया रिपली एंड भाई साहब इससे ये हुआ है कि डैमेज कंट्रोल की बेली ने ये कह दिया कि मैं फ्राइडे को अपना डिसीजन बताऊँगे एंड भाई साहब यू स्काई को टेंशन हो गया एंड भाई साहब यहाँ से ये पता चला है कि ये स्काई टेंशन अब बढ़ने वाली है और गाइस हमारा फाइनल मे मैट था ड्रोमे एंटायर वर्सिज मैच अच्छा था बॉप परफेक्ट मूव थे सब कुछ ठीक था सब एंगल अच्छे थे लेकिन गाइस हमारा ड्रूमे एंटायर हार फॉर नहीं कर सकते एंड भाई साहब वो जीत चुके हैं एंड बहुत कॉन्ट्रोवर्सी एंडी हुई जब वो लो ब्लो लग गया और गलती से हु की लगाते हैं लेकिन गाइज तभी ड्रू मैंड निकले मॉल लगाई और जीत गए मैच एंड बैस हाँ रॉक एपिसोड बहुत अच्छा था कोडी रोड की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी चल रही है सब कुछ अच्छा है लेकिन अब फ्राइडे नाइट मैडम देखने की बात है क्योंकि फ्राइडे नाइट में आ रहे हैं रोमर रेंस एंड क्या सी एम पंक अब रिमूव हो चुके हैं तो गाइस यार बहुत बड़ी सैड न्यूज़ तो ये हो चुकी है लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी तो चैनल सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है एंड गाइज आप बताना कि कमेंट में आपको कैसा लगा कि अगर सीएम पंख ना हो रसलमेनिया में वो इंजर्ड हो चुके हैं क्योंकि